उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक अनोखी शादी होने का मामला सामने आया, जहां पर लड़का 4 घंटे के पैरोल पर जेल से बाहर आता है और अपनी मंगेतर से शादी कर फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मामला तकरीबन 4 महीने पुराना है, जब शहर कोतवाली में सोनम नाम की एक लड़की ने तहरीर दी थी कि उसके साथ शादी के नाम पर शोषण किया गया। उसके बाद लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज किया, वहीं लड़के को पकड़कर जेल भेज दिया। 24 वर्षीय सोनम नाम की लड़की का विवाह निगोरी शाहजहाँ के रहने वाले अमित कुमार के साथ तय हुआ था। वहीं किसी बात को लेकर अमित कुमार और सोनम में मनमुटाव हो गया और अमित ने शादी से इनकार कर दिया तो सोनम ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर अमित के खिलाफ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। इसे मत बनाना भी। तो अपना करो जल्दी, हो गया। आज तुम यहाँ पूरी संरक्षा में शादी हो रही है, क्या मामला हमने ये एक हरिओम राजपूत नाम का एक लड़का है, उसने मुझसे मैं कॉलेज से निकल रहा था, उसके बाद में सारी बातें कही, कहने के बाद में ये रिश्ता बोलो 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 रिश्ते में जो थोड़ी सी दरार आ गई, उसके बाद में अभी सब कुछ सही है और हम लोग शादी कर रहा था। कुछ और कहना चाह रहे हो? नहीं, तुम कह रहे थे भी जो कहेंगे सच कहेंगे। हाँ, तो यही तो सच्चाई थी। तो फिर जब तुम लोगों का रिश्ता तय हो गया, फिर क्यों इस तरीके की गलतफहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर हो गए? क्या ये पूरा मामला है? आप यहाँ पीलीभीत के रहने वाले हैं, पुलिस अभिरक्षा में आप दोनों लोगों की शादी हो रही है, ये जेल से आए हैं, अब पारिवारिक थोड़ी सी अनबन की थी, इस वजह से हम लोगों का रिश्ता टूट गया था, अब फिलहाल ये सब कुछ तो जो इनके ऊपर मुकदमा है, क्या वापस लेंगे? हाँ, वापस लेंगे।